नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं खबर जोरदार राजस्थान। चलिए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए रुक करते हैं अब अपनी खबर की ओर। पायल होटल पर बिजली चोरी की शिकायत पर चेक करने गए आयन के साथ होटल संचालक ने की धक्का मुक्की व गाली गलौज। गोविंदोपकंड क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर चोर वावड़ी के निकट स्थित पायल होटल पर मंगलवार रात्रि को बिजली चोरी की शिकायत पर चेक करने पहुंचे आयन के साथ होटल संचालक ने धक्का मुक्की कर गाली गलौज करते हुए अभद्रता की, जिस पर आयन ने गोविंदो थाने में राजकार्य में बाधा और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। थाने के एएसआई रंजीत सिंह ने बताया कि प्रार्थी आयन वीरेंद्र मीणा ने रिपोर्ट दी कि रात्रि को पायल होटल पर बिजली चोरी की शिकायत पर सतर्कता जांचने की टीम के साथ गया, जहां शराब के नशे में होटल संचालक गोविंद सिंह ने परिसर में जाने से रोकते हुए कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ ही हाथापाई करते हुए गाली गलौज की, जिस पर पुलिस ने राजकार्य में बाधा की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में आयन वीरेंद्र मीणा ने बताया कि पायल होटल पर लगातार बिजली चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिस पर टीम के साथ मंगलवार रात को सतर्कता जांचने पहुंचे। वहां सो रहे होटल मालिक गोविंद सिंह ने सीढ़ियों से ऊपर जाने से रोकते हुए सीढ़ियों से धक्का दिया, साथ ही हाथापाई करते हुए गाली गलौज की, परिसर में जांचने से रोकते हुए टीम को गालियां दी, जिस पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही उक्त व्यक्ति का बिजली चोरी के मामले में 2,20,000 रुपये का चालान काटा गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।